On to some breaking news. ED raids K. Kavita's Hyderabad residence. Now, K. Kavita is a BRS MLC, also the daughter of former Chief Minister of Telangana, K. Chandrasekhar Rao. Now, these raids are linked to her alleged role in the Delhi excise policy case. I have my colleague Mukesh joining us with more details on this. Mukesh, you know, Kavita has already been interrogated by the CBI 2 years ago with regard to her alleged role in this case. Several ministers have been probed of the Aam Aadmi Party. Tell us, what is the latest in this case? देखिए, जो डेली लिकर पॉलिसी है, उस मामले में जो ईडी है वो के कविता और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनके ठिकानों पर रेड कर रही है. दरअसल जो के कविता है उनका जो नाम है वो डेली लिकर पॉलिसी मामले में आया था और इसको लेकर जो ईडी है उसने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. इससे पहले भी जो ईडी है वो के कविता से पूछताछ कर चुकी है. इस पूरी पॉलिसी में उनका क्या रोल है इसको लेकर पूछताछ हो चुकी है. इसके साथ में जो उनके मोबाइल फोन हैं वो भी ईडी ने सीज कर लिए थे. वो कई मोबाइल फोन लेकर आई थी, जब उनसे पूछताछ हुई थी वो भी सीज कर लिए गए थे. के कविता का नाम दरअसल इस पूरे मामले में कुछ इस तरह से आया है कि इस मामले में जो एक एक्यूज है अमित अरोड़ा, उसने अपनी पूछताछ में के कविता का नाम लिया था. और अरुण रामचंद्र पिल्लई, जो कि साउथ की लेकर लॉबी का मास्टरमाइंड है और एक बड़ा चेहरा है, वो भी के कविता का काफी क्लोज है और ये भी कहा जाता है कि वो के कविता का बिजनेस एसोसिएट है. तो इन दोनों से जो पूछताछ हुई थी उस मामले में के कविता का नाम सामने आया था और उसके बाद ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया था. हालांकि कई बार वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंची, लेकिन एक बार वो पूछताछ के लिए आई थी जब उनसे लंबी पूछताछ हुई थी. तो फिलहाल उसी मामले में जो डेली लिकर पॉलिसी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इस पूरे मामले में ईडी अब के कविता के घर पर और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनके ठिकानों पर रेड कर रही है. ये रेड अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है. तो फिलहाल अभी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो ईडी ने शेयर नहीं किए हैं, लेकिन ईडी ने कंफर्म किया है कि दिल्ली लिकर पॉलिसी के मामले में एक कविता के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. मुकेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो केस है इसमें कविता का हमेशा मानना और कहना ये भी है कि ये केस सबजुडिस है और इस पे वो जो है कमेंट नहीं कर सकती हैं. अब इस ईडी का कहना ये है कि इस केस में कार्टलाइजेशन हुआ था और जो डीलर्स ने ब्राइब्स दिए थे और किकबैक्स जिनको मिला था उनको फेवर किया गया था. तो इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी कहाँ तक पहुँचा है और के कविता के रोल के बारे में क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल ये भी एलिगेशन है कि जो किकबैक्स मिले थे उसमें के कविता भी शामिल थी, उनको भी कमीशन मिला था, ये भी बात सामने आई थी. और जो साउथ की लिकर लॉबी है उस लिकर लॉबी से के कविता कनेक्टेड है, ये बात भी जांच में सामने आई थी. इस पूरे मामले में जो जो डेरी लिकर पॉलिसी है, इस पूरे मामले में जो मनी लॉन्डरिंग का मामला दर्ज हुआ है उसमें ईडी अब तक कई सारे जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम जो एक्स डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, इसके अलावा कई बड़े शराब कारोबारी और जो मिडिलमैन हैं उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है. इस पूरे मामले में ईडी दो चार्जशीट कोर्ट में पेश कर चुकी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो को 8 सम्मन जारी कर चुकी है, हालांकि वो पेश नहीं हुए हैं. तो इसमें इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के साथ साथ जो साउथ के कुछ नेता हैं और जो एक पूरा जो लिकर कार्टेल है साउथ का, वहां के कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं, कई बड़े शराबकारी भी अरेस्ट हुए हैं. और जो वहां के सांसद हैं मुगुंटा, उनसे और उनके बेटे से पूछताछ हो चुकी है, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, हालांकि बाद में वो अप्रूवर हो गए. तो अभी इस पूरे मामले में जो ईडी है वो लगातार जांच कर रही है और उसी जांच के सिलसिले में के कविता के जो ठिकाने हैं वहां पर ये रेड्स चल रही हैं. और जैसा मैंने कहा कि इस पूरी लिकर पॉलिसी में के कविता का नाम जो है वो सामने आया था और ये बात सामने आई थी कि जो साउथ की लेकर लॉबी है उससे वो कनेक्टेड है और उनको काफी मोटा पैसा इस पूरे लेकर कार्टेल से मिला हुआ है. तो इसको लेकर जो ईडी है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला प्रूव कर रही है और उसी सिलसिले में इस जांच की जा रही है.